Hey guys, good morning. So this is Gabru, Vinesh Shirsat. और बहुत दिनों बाद आप मैं मिस कर रहा था आपको, तो आज मैं आया वापस मेरे व्लॉग्स लेके. तो आज का व्लॉग्स मेरा है कि मैं आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो कि 6 बजे का पूरे ऑल ओवर नासिक सर्किट में KGF 2 के लिए आया था. तो आइए जानते हैं रिव्यू कैसा है मूवी. और मेरे साथ जो UP वाले भैया है वो है आज हमें वो बताएंगे कि कैसी है मूवी और उनको कैसी लगी. आइए चलता हूँ लेके उनके पास. गुड मॉर्निंग जी. अरे ऋषि भैया कैसे हो? एकदम बढ़िया. कैसी हो गई नींद आपकी? सर नींद तो आई नहीं रात भर आज. क्यों जी? KGF देखना था सर. हाँ जी KGF. सर 6 अलार्म लगाया था मैंने. हाँ जी. तब जाके ये हुआ कि भैया अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उठे. हाँ जी. नहीं एक बात आपसे कहनी है. हाँ. कि आपको जो कि 6 बजे का आप हमने बोला था कि आपको ये 6 बजे का जो मूवी था. हाँ. वो आप हमें आपके भाषा में बताइए ताकि हम सब जान सके कि कैसी लगी आपको मूवी. और बताइए मूवी के स्टार कास्ट कैसा काम किया और मूवी के बारे में थोड़ा हमको थोड़ी जानकारी दीजिए. बता रहा हूँ कि एकदम टोला है सर. टोला क्या बात कर रहे सर? ये हुकुम का इक्का निकला है सर. अजी ये मतलब इससे बड़ा कोई हुकुम का इक्के जैसा कोई पत्ता नहीं होता है सर. अजी सर लेकिन मैं इसके लिए कोई लफ्ज ही नहीं है सर. इतनी बढ़िया एक्टिंग की है, इतनी बढ़िया ब्रॉडकास्टिंग हुई है, उसके बाद में सर बैकग्राउंड म्यूजिक इतना बढ़िया है सर. सर मैं भूल गया था, मैं 3 घंटा भूल गया था मैं कहाँ पे हूँ. मैं ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय हाईवे के आसपास में ही घूम रहा हूँ. अच्छा इतना बढ़िया. और थोड़ा हमारे जो खलनायक जी संजय दत्त, उनका रोल कैसा लगा? संजय दत्त साहब खलनायक तो ही है सर, और रियल में खलनायक जैसा. ऐसा लग रहा था सर कि मैं संजय दत्त को देख ही नहीं रहा हूँ, मैं अधीरा को ही देख रहा हूँ. और सही सही ऐसा लग रहा था कि उस पार्ट हो गए हम, KGF के पार्ट थे. इन्वॉल्वमेंट हो चुका है आपका ऐसा. और रही बात रविंद्र टंडन जी की, रविंद्र टंडन जी ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है सर, एक्सपेक्टेशन से ऊपर किया है. मतलब जो लोग कहते हैं कि क्वीन ऑफ एवरग्रीन ओल्ड इज गोल्ड, जो कि बॉलीवुड की गोल्ड है सर, उनके अंदर आज भी वही कलाकारी छुपी हुई है. बस निकालने की जरूरत है, बराबर से डायरेक्टर नहीं मिलते, प्रोड्यूसर नहीं मिलते. ये बात बिल्कुल सही. सर बॉलीवुड ठीक है, बढ़िया है सर एकदम. मैं नहीं तो बोलता हूँ कि अब पिक्चर देखना है तो फिर साउथ का देखना है, बाकी इनका तो कोई पिक्चर देखने लायक ही नहीं है सर. ये सर आपने बात गलत कर दिया. अभी देखो बॉलीवुड में भी है कुछ है चुनाव हीरो. सर मैं उनकी इज्जत करता हूँ सर, बात बराबर है, लेकिन सर दम भी तो होना चाहिए ना पिक्चर में. हाँ ये बात भी सही है. हम जाके टाइम पास के लिए मजा नहीं आता है ना सर. जी बराबर. स्टोरी और स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए. बिल्कुल सर, जरूरी है. और रही बात जो कि हमारे रॉकी भाई है, उनके बारे क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में कोई लफ्ज ही नहीं है सर. रॉकी भाई नहीं, आज तो भगवान बन गए लोगों के. इतना बढ़िया, सबसे बढ़िया मुझे लगा सर. आज तक का सबसे बढ़िया पिक्चर मैंने देखा है अपने लाइफ में तो KGF 2-1. और क्या लगता है, क्या प्रेडिकेशन लगता है आपको सर, कितना कमाएंगी? ये सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाली है सर. सब लोग सो जाए और आगे सिर्फ पैसा गिने कि देखें ऐसा करें कि भैया इतना पैसा भी कमाया जा सकता है क्या. सेम मुझे जैसे रॉकी भाई बोलते हैं कि सोना जमीन के अंदर होता है. सर सोना जमीन के अंदर होता है, एकदम सही बात है, लेकिन निकालने के लिए ना सर रॉकी जैसा ही चाहिए कोई जी. प्रशांत नील जैसा डायरेक्टर चाहिए सर. और ये बोलते अपना सॉन्ग्स और कैसे सर आपको? सर सॉन्ग्स तो सर भूल ही गए थे सर, जैसे ऐसा लग रहा था कि भैया वो आर्टिस्ट जो है ना वो उधर ही बगल में आके गा रहे हैं, सब लोग बजा रहे हैं. इतना प्यारा, बहुत ही प्यारा था. और सर और एक बात, रेटिंग क्या देंगे आप? रेटिंग उसको दी जाती है जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन रहता है सर, इसके ऊपर विश्वास था. रेटिंग इसको नहीं दिया जाती, इसको दिल दिया जाता है. अच्छा अच्छा. और थोड़ा हमारे फैंस के लिए बताइए कि और कुछ सरप्राइज है मूवी के अंदर जो फैंस एक्साइटेड? सरप्राइज है, पूरी पिक्चर ही सरप्राइज है सर. आप जाके देखो, कुछ और मत पूछो. क्लाइमैक्स कैसा था सर? एंडिंग वाला सर, एंडिंग वाला क्लाइमैक्स देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे. क्या बात करें, ऐसा क्या चीज बताई इन लोगों ने सर? KGF चैप्टर 3 भी आने वाला है सर. क्या बात करें सर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा. जी एक फाइनल. हाँ. एक आपके हिसाब से रॉकी भाई, रॉकी वे फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे और लोगों को क्या मैसेज देने चाहिए आप मूवी देख के? सर यही बात बोलना चाहूंगा कि सब डायरेक्टर मिलकर सीखें कि पिक्चर बनाई.
कठिनाई कैसे जाती है जी, सब एक्टर मिलकर सीखे कि एक्टिंग की कैसे जाती है, ये सब लोगों के लिए और फैंस इतनी अच्छी पिक्चर नहीं छोड़ी। और मूवी के थोड़ा ये बताइए, लोगों ने जाना चाहिए ना जाना चाहिए? सर सब काम धंधे छोड़ के जाओ, पहले पिक्चर देख लो, दिमाग शांत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऋषि जी, मिलकर अच्छा लगा।